ठीक है, इकोनॉमिक्स में? अरे वो तो इंटरेस्टिंग है यार। ओके, व्हाट इज एन ऑर्बिट? ऑर्बिट क्या है? एक तो खाने वाली है, एक वो सुगवीर बादल की बस भी है ना, मेरे बेटे का नाम है ना उसके ऑर्बिट, तभी सभी चिबाते हैं। ठीक है, तो ये ऑर्बिट अलग है। तो हमें क्या ऑर्बिट की डेफिनेशन यूपीएससी के एग्जाम में आएगी? पूछेंगे वो? नहीं पूछेंगे। ठीक है, लेकिन फिर भी हम लिखेंगे, तो लिख लो जल्दी से। इट इज अ रेगुलर रिपीटिंग पाथ दैट वन ऑब्जेक्ट, रेगुलर रिपीटिंग पाथ दैट वन ऑब्जेक्ट इन स्पेस टेक्स अराउंड अनदर वन, इन स्पेस टेक्स अराउंड अनदर वन। सिंपल है ना, कोई इसके अंदर कुछ है तो नहीं, है ना? डन जी। ठीक है, अब जैसे मान लो सैटेलाइट, अगर आपको यूपीएससी ये पूछे अर्थ सैटेलाइट है, अर्थ सैटेलाइट है ना, क्योंकि वहां पे लिखा है। क्यों? क्योंकि वो सन के अराउंड घूमते। इसी तरह मून सैटेलाइट किसका है? अर्थ का। बस यही तो है। ठीक है, तो आपने ये ध्यान रखना है, ऐसा चीज के अंदर क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए शुरुआत करनी पड़ती है यहाँ से। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन इज इम्पॉर्टेंट। पहले दो तीन बातें मैं समझाना चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ पे कोई एक वाइट पेज क्रिएट करेगा आप में से? वाइट शीट क्रिएट करनी आती किसी को? नहीं, ऐसे होती है। ठीक है देखो भाई, कुछ मुझे पता है तो मैं भी तो नॉलेज जानूंगा क्या? हर बार ऐसे थोड़ी होता है। ठीक है, आप सुनो ध्यान से याद रखना, इसको भूलना मत। ये हमारी अर्थ है। ठीक है, दो तीन ऑर्बिट में ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, मैंने आई थिंक कल भी थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस किया था। अगर मैं अभी के लिए मान लेता हूं ये लो अर्थ ऑर्बिट है, इसको मान लेते चलो हाई अर्थ ऑर्बिट है। ठीक है, मीडियम मान लेते हैं चलो इसको, ठीक है जी। एक और ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, ये हाई अर्थ ऑर्बिट है।